नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रशांत और दोस्तों ये मेरी धर्मपत्नी है। मेरा नाम है निशा। बताइए दोस्तों, आप सभी कैसे हैं सबसे पहले तो। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही है हमारे देश में, तो इससे डट के मुकाबला करना है। सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा घर में ही रहें। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम हो तो ही आप बाहर जाएं, अदरवाइज जितना हो सके बाहर जाने से बचिए। दोस्तों हमने एक चैनल नया शुरू किया है और इस चैनल का पर्पज यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करें और आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रखें, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए ही हम कर रहे हैं कि लॉकडाउन में कैसे मोटिवेट रह जाए, बहुत बीमारी बाहर फैल रही है। हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, आप हमें अपना फैमिली मेंबर के जैसे ही समझिए। अभी बता देती हूँ अपने बारे में कि मैं इंडियन रेलवे में लोको पायलट हूँ और इनकी धर्मपत्नी। तो चलिए, दूसरी बात ये है कि आज मतलब 3-4 दिन से ये बहुत परेशान थे कि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, मैं कैसे कटवाऊं, मैं शॉप पे तो जा नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा मेरा एक फ्रेंड है उसको मैं घर बुला लेता हूँ। मैंने कहा आप जाओ या घर बुलाओ, एक ही बात है, ठीक है, सेफ तो मैं ही ट्राई कर लेती हूँ, क्यों ना। ट्रिमर से फिर मैंने इनके बाल काटे तो आप देख सकते हैं इनका लुक कैसा लग रहा है। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे तो लगता है कि मैंने अच्छे काटे हैं बाल और मुझे भी इनको अच्छा लग रहा है, बट आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि इनका, जरूर बताइएगा कि इनका ये लुक कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और जिस नाई से कटवाता हूँ वो भी ऐसे ही काटता है, बस वो थोड़े ऊपर वाले ज्यादा छोटे कर देता है। और अब आपको पता ही है दोस्तों मारवाड़ी कैसे होते हैं, है ना। हम तो जाते हैं एक बार दुकान पे तो 2 महीने वापस नहीं जाए, तो इसलिए कह ही देते हैं कि तू ऊपर के भी ज्यादा छोटे कर दे भाई, है ना। पर वो तो नहीं चाहता है कि इतने छोटे करे, पर खैर घर पे इन्होंने मेरे को भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अब कूल लग रहा है, क्योंकि बाल बड़े हो गए थे तो फिर उसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग पाता है। मैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ तो फिर उसमें भी थोड़ा लुक का तो ध्यान रखना पड़ता है ना, आप भी रखते होंगे, है ना। तो दोस्तों हमने ये चैनल आप लोगों के लिए और खुद का आप लोगों से जुड़ाव हो सके उसके लिए हमने चैनल शुरू किया है। तो अभी हमें क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, जिससे क्या है कि हम हर दिन आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। जो भी हमारे साथ में जो किस्से हो रहे हैं तो अच्छे अच्छे किस्से, है ना, कुछ हो सकता है इमोशनल भी हो तो सब चीजें करवाएंगे हम आपका। और आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, जिसके बाल कटवाने हो अपने साथ वाले का हेल्प ले सकते हैं, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आप उनका हेल्प लीजिए और घर पे ही बाल काटिए, कैसे भी होंगे तो चलेगा। हाँ, घर पे कोई ऐसा तो है नहीं, शादी ब्याह हो रहा है जो वहाँ पे अपने को जाना है, थोड़े बहुत कट जाए बस, अपने को चिल हो जाए बस। हाँ। तो आप सभी को फिर से कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान रखें, बाहर जितना हो सके कम से कम जाइए, इस बात को इग्नोर न करें। क्योंकि दोस्तों हमारे फैमिली में कल ही एक हमारे बहुत ही करीबी रिलेटिव है तो वो थोड़ी लापरवाही कर रहे थे, तो उस कारण से मास्क भी लगा के नहीं जा रहे थे, टीका लगवाना था तो उन्होंने टीका भी नहीं लगवाया कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पर उनकी दोस्तों कल ही उनकी डेथ हो गई है। तो इसलिए आप बहुत सावधानी रखें और बिल्कुल भी लापरवाही न करें, वैसे तो आप सभी समझदार हैं ही। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और क्या करना है, कमेंट भी करना है और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं हम जल्दी ही एक नए वीडियो, धमाकेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों अपने ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और जितना हो सके संपर्क में न आए, घर में रहें, सेफ रहें और सिक्योर रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।